देखिए दोस्तों, हम गाजीपुर जिले में हैं और यहाँ पे राजकीय मेडिकल कॉलेज पे हैं और आप देख सकते हैं स्थिति यहाँ का कि आप देखिए यहाँ पे पूरा पानी भरा हुआ है। और एक चीज़ और हम दिखा दे रहे हैं आपको, ये देखिए रोड है, ये रोड है और रोड पे पानी लगा हुआ है, ये तो अलग की बात है। उसके बाद ये नाली है, नाली रोड से ऊपर है भैया। और इधर देखिए, और आप देखिए मेडिकल कॉलेज की वो नाली बना है, आप देख सकते हैं। उसके बाद देखिए ये जो रास्ता बना हुआ है कितना नीचे बना हुआ है, कम से कम ये 5 फीट नीचे बना हुआ है रास्ता, और जाने का रास्ता उधर देखिए, ये कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज, और इधर ऑफिस है, प्रिंसिपल ऑफिस, और इधर आपको दिखा रहे हैं हम। ये देखिए यहाँ पे पानी भरा हुआ है और ये पूरा ग्राउंड था पहले, आज के समय में ये पोखरी बन गया है। और इधर देखिए ये जनरेटर का तार यानी कि बिजली का तार लगा हुआ है, वो भी डूब गया है। और इधर पढ़ाई भी चलती थी और यहाँ पे दवाई भी मिलती थी, लेकिन यहाँ पे जितने भी दवा लेने आए हैं मरीज, वो रोड पे ही दवा ले रहे हैं और रोड पे डॉक्टर लोग बैठे हुए हैं। देखिए वो देख सकते हैं आप, चौकी वहाँ पे है और चौकी पे वहाँ पे लिख रहे हैं लोग और कुछ खड़े हैं लोग, वहाँ पे दवाइयाँ ले रहे हैं। और ये देखिए माता जी को ज़रा दिखाइए हमारे, देखिए ये कैसे पानी में से आ रही हैं। और ये मेडिकल कॉलेज ये गाजीपुर में है और राजकीय गाजीपुर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल गाजीपुर उत्तर प्रदेश में ये पड़ता है। और देख सकते हैं आप कहीं किस तरह से देखिए जो है कि आ रही है ये पानी में हलकर। तो आप क्या करने आई थी? हम दवा लेने आए थे। दवा लेने आई थी, मिली है दवा? दवाई क्या, पानी भरा है, कैसे लें? अच्छा, बाहर हम निकल रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं जी। तो पूरा अंदर तक आप गई थी? हाँ, ऑफिस में पानी पूरा भरा है, देखती हुआ। अच्छा अच्छा, पूरा ऑफिस डूबा है, अलमारी सब डूब गया है, क्या किया जाए। देखिए दोस्तों, हम भी अब जाएंगे अंदर और देख सकते हैं हम भी मोड़े हुए हैं। तो चलिए और हम अंदर जाकर दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, अब हम चल रहे हैं अंदर, आप देख सकते हैं ये पानी कितना है, अभी घुटनों तक आया नहीं है लेकिन ऊपर एड़ी से पूरी डूब गई है। और ये देखिए आप पाइप देख सकते हैं जो लगाया गया है, ये पाइप, ये पानी निकलने के लिए, लेकिन इतना पानी है इसमें कि कम से कम अगर एक महीने तक निकाला जाए लगातार तो इसमें से पानी नहीं निकल सकता। क्यों? क्योंकि ये कॉलेज बहुत बड़ा है, लेकिन जितना ही बड़ा है उतना ही ज़्यादा इसमें गड्ढा है और पानी भरा हुआ है। चलिए हम ऑफिस में लेकर चलते हैं, और ऑफिस भी डूब चुकी है और हम भी थोड़ा संभल के चलेंगे इसलिए कि हम भी कहीं डूब ना जाएं, इतना ज्यादा पानी है इसमें। देखिए दोस्तों, हम आ गए हैं अब अंदर, मेडिकल कॉलेज के अंदर आ गए हैं और ऑफिस में है, देखिए विभाग मेटेरियल मेडिकल है ये, और ये प्रवेश द्वार लिखा गया है और इसी में प्रधानी का चुनाव हुआ है और इसी में वोट डाला जाता था। और हम दिखा रहे हैं आपको सीसीटीवी कैमरा, देखिए सीसीटीवी कैमरा जो है ऊपर, ये भी इसका तार पूरी तरह से अंदर डूब गया है। और हम दिखा सकते हैं आपको ठेंगुना जो है हमारा भीग चुका है, और अंदर दिखाइए आप जरा, ये जितना भी ब्रेंच था पूरा डूब गया है। और ये देखिए बैग रखा गया है वहाँ पे, और ये पूरा ब्रेंच वहाँ पे डूब चुका है, पूरी इकाई लगी हुई है। और अंदर देखिए पंखा है यानी फैन भी जो है कि अब वहाँ पे जो है नीचे रखा गया है, वो भी डूब रहा है, और कुर्सी सभी। और देखिए, और आपको दिखा रहे हैं ये जो है कि बैठकर जो टेबल होता है आगे लगाया जाता है, ये अभी डूब चुका है, ये सड़ रहा है। हालांकि अभी हमारे यहाँ कर्मचारी यहाँ पे आए हुए हैं, कुछ उनसे पूछेंगे कि जितना भी ये सब टेबल है लकड़ी का, इसको उठवाया जाए और ये इसको भी ज़रा उठवा कर कहीं सुरक्षित जगह रखा जाए। लेकिन भैया किसी को चिंता नहीं है, यहाँ का कोई भी ऑफिसर हो या अधिकारी हो चाहे DM कलेक्टर हो, किसी को जो है कि चिंता नहीं, कॉलेज में अभी तक कोई आया नहीं है, किसी को भी चिंता नहीं है। देखिए हम भी थोड़ा बचा कर चलेंगे, आइए जरा और आगे, देखिए तार और सब भीगे नहीं। ये तो हमारा कॉलेज जो जिसमें हम शिक्षा लेते हैं, जिससे हम पढ़े बढ़े वही हमारा डूब गया। तो आज हमारे जो है कि जीवन का कोई मतलब नहीं है, कोई अर्थ नहीं है हमारे जीने का, जिसमें हम पढ़ के आज इतने बड़े हुए और हम शिक्षा लिए उसमें, वो ही डूब गया, वही हर एक चीज़ जो है कि आप देख सकते हैं इधर भी सब पूरा डूब गया। तो हमारा कोई मतलब जीवन का जीने का नहीं है। और ये देखिए कार्यालय, ये ऑफिस है, ये ऑफिस है, ये भी पूरा डूब चुका है। और इसमें
देखिए अगर कोई कागज भी होगा तो पूछते हैं यहाँ के कर्मचारी जो हैं उनसे कि हटाया गया है कि नहीं। और देखिए अब देखिए जरा यहाँ पे हम हल रहे हैं अंदर, ये देखिए कितना पानी है, देख सकते हैं आप कितना पानी है, आप देखिए देख रहे हैं ना। ऐसा थोड़ी ना है कि हम रबड़ वाला हमारा पैर हम नीचे करके जो है कि बैठा दिए अपने पैर को, नहीं ऐसा नहीं है। चलिए आइए देखिए, ये तो पानी आप देख रहे हैं लेकिन ये फैन चल रहा है अभी, लेकिन इसमें बिजली है या नहीं। और यहाँ के एक माली हैं, इनसे हम पूछते हैं यहाँ में इसमें जो कागज़ लगाया रखा गया था वो सब हटाया गया है कि नहीं। नहीं वो सब हटाया गया है, वो सब हटा गया। और ब्रेंच भी हटा देना चाहिए था, डूब रहा है तो ब्रेंच भी हटा हुआ है, कुछ टूट गया है ऊपर बन रहा है, इसीलिए सब टूट फूट गया है, पूरा बन रहा है, ऊपर सिलाप हो रहा है ना, ऊपर हो रहा है, जगह भी नहीं है, ऑफिस में पानी घुस गया है, ऑफिस में बाहर हम लोग बैठे हैं आप देख रहे हैं पूरा ये सब डूबा है जी, क्या करें। आप देख सकते हैं दोस्तों ये देखिए पूरी तरह ब्रेंच जो है डूबा हुआ है, लेकिन हमारे बेचारे माली किसी तरह आए हैं, जो भी इनको बन पड़ता है वो उठाए हैं और उठा कर रखे हैं। और ये इधर देखिए हम जरा दिखा देते हैं आपको, ये देखिए ये क्या है आप कमेंट बॉक्स में बताइए, लेकिन हम भी बता दे रहे हैं ये मोटर लगा हुआ है, इसमें से पानी निकाला जा रहा है बाहर के लिए। हम पाइप आते वक्त हम दिखाए थे कि जो पाइप लगा है वो पानी इसमें से निकाला जाएगा बाहर, लेकिन इसमें से जो पानी अपने आप निकल जाए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं किया गया। यहाँ के कर्मचारियों से, यहाँ के जो प्रिंसिपल थे उनसे हमसे बात हुई है, लेकिन वो बोले जिला के जो अधीक्षक हैं उनसे हम बोले हैं कि आप यहाँ पर आइए निरीक्षण करिए और इसमें का जो है कि जल जो जमा हुआ है इसको निकलवाइए। तो देखिए क्या कर रहे हैं आज, और कुछ लोग खड़े हैं उनसे भी हम बात करेंगे। बस देखिए आप देख सकते हैं इधर ये पूरा पोखरा है, पोखरा नहीं है ये ग्राउंड है, और ग्राउंड के बगल में पोखरा है उसी में का सब जलकुंभी आ चुका है। देखिए ये सभागार है देखिए, और वो देख सकते हैं आप ये मशीन लगा है पानी बनाने पीने के लिए। सब दिखाएंगे आंटी जी, हमारे घर दूर ना हो। देखिए हम तो दिखा रहे थे पूरे, वहाँ पर भी दिखाए आपको और प्रिंसिपल ऑफिस भी हमने दिखाया, और कुछ कर्मचारी और लोग हैं उनसे भी हम बात करते हैं। सर ये कैसे पानी भर गया? पानी तो ये जो है लो लैंड होने की वजह से भर गया है जी। और सबसे बड़ी समस्या यहाँ की जो है जल निकासी की है जी। जो रेलवे लाइन पूरब तरफ है पहले उसके नीचे एक पुल हुआ करता था जी। तो अब रेलवे लाइन की दोहरीकरण हुई है, वो पुल बंद हो गया है। उधर के लोग जो है रेलवे लाइन के उस पार वाले लोग जो है ऊंचे ऊंचे इमारत बना लिए हैं, पानी वो निकल नहीं पा रहा है जी, जी। अब पानी न निकलने से जो है पूरा रौजा खोवा मंडी चंदन नगर और इधर का टोटल पानी जो है इसी में। लेकिन नालियां तो बनी हुई है सर। नालियां बनी है तो नालियों का पानी जा कहाँ रहा है? रेलवे लाइन के उस पार पहुँच ही नहीं रहा है। रेलवे लाइन के नीचे कोई पुल हो उसके माध्यम से पानी उस पार जाए तब तो पानी निकल पाएगा ना। और इसमें जलकुंभी कैसे आ गई है सर? जलकुंभी तो पीछे जो है तालाब है जी, तालाब है, वो तालाब भी जो है धीरे धीरे पट करके समतल हो गया है जी। अब उधर पानी जो जितना उस क्षेत्र का आता है तालाब में वो जो है पूरा पानी कॉलेज में फ्लो कर देता है, उसमें की जलकुंभी जो है सब इसमें आ जाती है। और जलकुंभी जो है एक दो महीने हो गया पानी लगे हुए तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो अब निकलने का कोई व्यवस्था है यहाँ पे? निकलने के लिए जो है प्रिंसिपल साहब रोज जो है डीएम साहब के यहाँ जो है प्रयास कर रहे जाते हैं हाँ, उन्होंने आदेश किया है जल निगम को पानी निकालने के लिए, आरएस विभाग को भी लिखा है कि इसका कोई जो है अस्थायी समाधान हो जाए, नाली उली बना करके रेलवे लाइन के उस पार पानी निकल जाए जी। अब लोग कार्रवाई कर रहे हैं, पंप लगा हुआ है रेलवे क्रॉसिंग के पास। नहीं तो ये जो पंप लगाया गया है, मोटर लगाया गया है, ये किसके माध्यम से लगाया गया है? ये कॉलेज का पंप है। अच्छा कॉलेज का? कॉलेज का है। लेकिन डीएम साहब अभी कोई कार्रवाई नहीं की है? नहीं, डीएम साहब ने जो है वहाँ रेलवे लाइन के पास में जो है पंप लगवा करके अब पानी निकलवा रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो चलिए दोस्तों और कुछ लोग हैं हम उनसे भी बात करते हैं। तो सर ये पानी जो लग गया है ये क्या ग्राउंड है कि पोखरा है?
ये तो हमारा ग्राउंड था जो है। अच्छा, पहले हाँ। बच्चे यहाँ पे खेलते थे? हाँ, बच्चे खेलते थे जी। हाँ, तो फिर अब तो भर गया, कितने महीने से भरा है पानी? ये तो अभी करीब एक महीने से भर रहा है। एक महीने हो गया? हाँ, धीरे धीरे। लेकिन आप कोई अधिकारी को सूचित किए हैं कि नहीं? नहीं, बराबर हमारे प्रिंसिपल साहब बराबर प्रशासन को सूचना दे रहे हैं, कलेक्टर साहब से कई बार मिले हैं, SDM साहब को सूचना दी, उन्होंने भी अपने अधीनस्थ जो भी विभाग हैं, नलकूप विभाग है, सिंचाई विभाग है, इनको सबको सूचना दी है। अच्छा। और उन्होंने मोटर लगाई है, मोटर से पानी निकाला भी जा रहा है। अच्छा, तो ये तो आप बता रहे हैं कि स्कूल का मोटर है? हाँ, ये तो है स्कूल का, ये तो हमारे कॉलेज का मोटर है, लेकिन उस साइड में लगा हुआ है जी। आज लगा है? कल से लगा है मोटर, कल से लग गए मोटर, कल से सरकारी लगा हुआ है, कल से पानी चल रहा है। अच्छा अच्छा, देखिए दोस्तों, एक महीना से पानी लगा है, लेकिन अभी जो है कि दो दिन पहले लगा है मोटर जो है सरकारी, और आप देख सकते हैं इधर कॉलेज वाले जो हैं वो अपना मोटर लगाए हुए हैं। चलिए हम दिखाते हैं लाइब्रेरी कैसी है यहाँ की। बस स्टॉपरी देखिए, अब हम लाइब्रेरी के अंदर चल रहे हैं और देख सकते हैं लिखा गया है 3, यानी कि कमरा नंबर 3 है, कक्ष 3 और भाग 8-9 ऐसे, राज्य होम्योपैथी कॉलेज, बूथ संख्या 122। और देखिए इधर हम दिखा रहे हैं, चलिए हम लाइब्रेरी में चल रहे हैं अंदर। ये देख सकते हैं आप, ये पूरी मेज डूब चुकी है और इधर कुछ रखा गया है, ये कंप्यूटर का पार्ट है जो PC बोला जाता है वो रखा गया है। और इधर देखिए आप, यहाँ पे देखिए, दिखाइए ज़रा पास में करके कि यहाँ पे लाइब्रेरी की जो जितनी भी बुकें हैं सब जो है कि डूब चुकी हैं। नीचे दिखाइए ज़रा नीचे, नहीं तो लोग कहेंगे कि हम झूठा खबर दिखा रहे हैं। देखिए दिखाइए, यहाँ पे सब डूब चुका है, और हम उधर भी हम लेके चलते हैं। देखिए आइए आइए ज़रा दिखाएं, ये देखिए ये यहाँ पे डब्बा है, सब बहुत बुरी स्थिति है और यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा जो है कि महक रहा है। और ये देखिए किताबें हैं, क्या लिखा गया, ये देखिए सब मेडिकल कॉलेज की किताबें हैं। और इधर देखिए हम दिखा रहे हैं, ये सब रद्दी हो चुकी है। और इधर अंदर दिखाएं हम आपको, ये देखिए चाबियां रखी गई हैं ये इस जो है कि कॉलेज की, और ये यहाँ पे है। और इधर इधर ज़रा दिखा दीजिए, देखिए हम ऐसा नहीं है कि हम पूरी जितना जैसे जैसे वैसे आपको दिखा रहे हैं, जो हकीकत है वो चीज़ें हम दिखा रहे हैं। इधर देखिए आप ज़रा ये किताबें देख लीजिए। आप कहेंगे कि किताबें तो कुछ सभी उठा ली गई है, लेकिन पूरी किताबें यहाँ पर डूब रही हैं, देख सकते हैं आप। ये देखिए ये देखिए ये क्या है, 2003 का लिखा गया है बुक, और हम कितना उठाएंगे बताइए। आप भी लोग कमेंट करेंगे कि आप ही उठा कर रख दीजिए, लेकिन हम कितना उठाएंगे। देखिए ये सब लिखा गया है मेडिकल कॉलेज की किताबें 2003 में, सब है, क्या करें अब। एक किताब उठा के रखने से क्या होगा, वहीं पर हम लोग रख दे रहे हैं। और इधर देखिए बुकें सभी रखी गई हैं, थोड़ा सा नज़दीक हम दिखा दे रहे हैं, ये देखिए सभी बुकें रखी गई हैं। और इधर कुछ ये भी है, बहुत महंगी महंगी बुकें रखी गई हैं। चलिए आगे हम दिखाते हैं, हम मोबाइल के कैमरे से दिखा रहे हैं इस समय, ताकि आ नहीं सकता था कैमरा बड़ा, उसके बाद और आगे हम दिखा रहे हैं आपको। ये देख सकते हैं इधर भी आप देखिए, इधर देखिए ये भी सब डूब चुका है। और आगे चलिए हम दिखा रहे हैं लैब एक और बस न, हाँ है के दिखा दे जा ये। अब देखिए ये पूरा पोस्टर चिपकाया गया है यहाँ पे, और ये देखिए फार्मेसी विभाग है यहाँ पे, और उधर फार्मेसी लैब है। लैब का चाबी हमारे पास नहीं है खोलने के लिए, हम नहीं खोल रहे हैं, ऐसा नहीं है, हमारे साथ कर्मचारी हैं। देखिए दिखा सकते हैं हम, ऐसा नहीं है कि हम ताला तोड़ के हम दिखा रहे हैं आपको, नहीं। और ये देखिए अब पूरा काई भर गई है, ये पानी जो है इसमें से बगल में ही आप पोखरा है, पोखरे से पानी आ गया अंदर, और इसमें से बहने लायक कोई रास्ता नहीं है, ना नालियाँ हैं कोई, बस।